गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, प्लेस अंकों का स्थानीय मान। ठीक है, तो जैसे हम लोग वंस टेंस हंड्रेड्स पढ़ते हैं ना, तो वंस का वैल्यू अलग होता है, टेंस का अलग होता है, और हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स है ना, इस तरह से अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है अलग अलग डिजिट का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहां पर नंबर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड, ये हो गया थाउजेंड। तो ये अलग अलग नंबर का अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे अब हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ क्वेश्चन ए टू थ्री और ये फोर, ठीक है, चार नंबर हम ले करके इसको समझाते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं 375, 2069, 305, 395, 8। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर्स होता है, ये नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, और ये वन से मल्टीप्लाई होकर इसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, और पहले ये मेथड समझा रहे हैं, फिर उसके बाद इसी को हम दूसरे तरह से भी समझा रहे हैं। तो जैसे ये फाइव है, ये पहला नंबर को हम लोग वंस करते हैं, इसीलिए ये फाइव वंस हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ओनली फाइव हुआ, है ना। अब दूसरे जगह पर सेवन है, ये फाइव वंस है ना, वंस का मतलब वन होता है, वन है ना, तो फाइव इंटू वन कितना हो गया, फाइव हुआ, इसीलिए यहाँ पर फाइव लिखे, है ना। तो टेंस, टेंस मीन्स कितना होता है, टेन मीन्स दस होता है ना, तो दस से जैसे ये पर यहाँ सेवन है, तो यहाँ पर ये सेवन हो गया, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, टेन से हो गया, है ना, ये हो गया सेवन इंटू टेन, क्योंकि यहाँ पर टेंस दिया हुआ है ना, ये टेंस दिया हुआ है, इसीलिए सेवन, ये सेवन है, ये टेंस है, तो सेवन इंटू टेंस इक्वल टू ये हो गया सेवेंटी, इसका वैल्यू हो गया सेवेंटी, और ये है थ्री, ये हो गया थ्री, यहाँ पर कितना है, हंड्रेड है, तो इसका वैल्यू हो गया थ्री हंड्रेड, और ये सेवेंटी फाइव, यानी सेवन टेन सेवेंटी, और ये फाइव, तो 75 हो गया, है ना। अब देखते हैं ये फोर डिजिट्स का दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, ये वंस हो गया, ये हम लिखेंगे वंस, और सिक्स टेंस, ये सिक्स टेंस हो गया, ये फाइव हंड्रेड हो गया, और ये नाइन टू थाउजेंड हो गया, है ना, इसका वैल्यू हो गया टू टू थाउजेंड, ये हो गया फाइव हंड्रेड, और ये हो गया 60 और ये 9, तो दोनों मिला के एक साथ वो पढ़ते हैं, तो ये हो गया 69 2500, ये दोनों एक साथ हो गया 69। इसी प्रकार यहां भी देखते हैं, ये 5 है,
ये हो गया 5 months, 0 times दिया हुआ है तो 0 हो गया, ये 2 दिया हुआ है ये 2 यानी 200 फाइव हो गई है ना। ये चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं। अब ये अपन यहाँ पर फिर देखते हैं 8 months यहाँ पर है 5 tens 900 और 3000 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं ठीक है। और एक दूसरे प्रकार से निकालते हैं देखो, तो उसमें प्रोसेस लगभग वही होता है जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईस्ट विजिट है ना। ईच डिजिट यानी प्रत्येक संख्या या जो जो नंबर्स है उसको क्या करना है प्लेस वैल्यू निकालना है। 8, 5, 6 ठीक है। अभी सब नंबर्स को हम लोग देखते हैं प्रत्येक संख्या का द्वारा ईच डिजिट। तो ये क्या होता है यहाँ पर इसका लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 ठीक है। ये 6 है ये वंस में है ना, तो इसको लिखेंगे 6 × 1 = 6 ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन इसको ये वंस है इसलिए वन से मल्टीप्लाई करके ठीक है। और अब इसका देखते हैं ये इसका लिखते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो ये किसमें है टेंस में है ना, तो टेंस है तो 5 × 10 = 50 है ना। इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 50 और इसका निकालते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 = ये 800 में है इसीलिए ये 100 हो गया। ये 800 हम लोग पढ़ते ही है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ पर यही रहेगा क्वेश्चन यही है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 = यहाँ जाएगा 6 once ये वंस में है इसीलिए 6 once ये 5 में है इसीलिए 5 tens और ये 100 में है = हो जाएगा 800 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका प्लेस वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है। तो जैसे एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इन द नंबर देखना है इन द नंबर्स 772 द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज ठीक है। ये टेस्ट दे दिया है ये नंबर्स दिया हुआ है ना इन द नंबर्स ये 700 और 32 एक नंबर्स है इसमें प्लेस वैल्यू किसका निकलना है 7 का ठीक है। तो ये 7 का कैसे लिखेंगे यहाँ लिख देंगे 7 ये 100 में है 100 लिख देंगे ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 700 हो गया ना। तो इसी प्रकार से 700 इसका 7 का कितना प्लेस वैल्यू है 700 ठीक है। चलो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है
और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे दिया है इन द नंबर्स 870 द प्लेस वैल्यू ऑफ इसमें 7 दिया हुआ, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो टेंस में है ना, ये वर्ड्स ये टेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टेंस या फिर 70, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में फिर। थैंक यू।